तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों, तो यार स्वागत है आप लोगों का पबजी मोबाइल के एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और इस मैच में हम रोजोक आ रखे हैं और रोजोक में यार काफी बंदे उतर चुके हैं और हर जगह पे इधर बंदे बंदे उतरे हुए हैं। तो गन ढूंढता हूँ मैं और गन के नाम पे यार मेरे को पिस्तौल मिलती है, तो पिस्तौल से यार कुछ बनने वाला नहीं था, तो मैं गन ढूंढूंगा और उसके बाद बंदे पे लूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ की साइड आता हूँ पीछे से बोट मतलब आपस में पेटियां बना रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना यार पिस्तौल से इनको पेल के और बंदूक बंदाक ले ली जाए इनसे। तो मैं पीछे की साइड भागता हूँ और इतने में यार हमारे दो नंबर भाई साहब को कोई नॉक कर देता है और साथ ही फिनिश भी कर देता है। तो यार बदला लिया जाएगा, सबका बदला लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक बोट नोक पड़ा था पहले, उसे क्लियर करूंगा यहाँ, उसके बाद मैं दूसरे को फायर करता हूँ। पर यार एक और पीछे से आ गया था, तो बाय वन गेट टू फ्री आ रहे थे बोट यहाँ, तो दूसरे को भी मैं नोक कर देता हूँ। और तीसरा यार ये ड्रॉप शॉट मार रहा था पूरा, तो इसे भी पेल लेंगे यार जरूर। तो इन बोटों को जैसे ही मैं क्लियर करता हूँ उसके बाद इनसे लूट लाट करके सीधा अपने भाइयों के पास पहुँचूंगा। पर यार इतने में ही चार नंबर जो भाई साहब हैं वो भी नोक नोक हो चुके हैं और क्लियर भी कर दिया यार चार नंबर को, तो क्या ही कर सकते थे यार, लूट भी पहले जरूरी थी। तो भाई साहब बोलते हैं कि बंदे आ रहे हैं मेरे पास और इतने में यार इसको कोई स्कॉर्पियन से नॉक कर देता है भाई को, तो ये बहुत दुखद घटना थी मेरे लिए। अब बंदा दिखा था मेरे को खिड़की में से, तो स्प्रे तो दिया मैंने और ये देखो ऊपर में कहाँ घूम रहा, और स्प्रे यार खतरनाक ही दे रहा था ये बंदा। तो दिलजीत भाई साहब को हमारे को जो है क्लियर कर दिया था वहाँ पर, तो मेरी हेल्थ की भी ऐसी की तैसी हो रखी थी, तो हेल्थ पूरी करूँगा पहले फिर देखेंगे इनको। अब यार इनके पास जो है किसी दूसरी टीम ने रश कर दिया था, तो स्मोक बनाता हूँ मैं और मौके की तलाश करता हूँ कि कब इन पे जो है रश किया जाए, थर्ड पार्टी करी जाए। तो आगे बढ़ता हूँ मैं और देखता हूँ स्प्रे देने की ट्राई करता हूँ फिर से। और एक बंदा ऊपर की साइड मेरे को दिखता है, तो और नीचे भाग रहा था एक, तो पहले ऊपर वाले को स्प्रे देने की कोशिश करना चाह रहा था मैं, पर यार दिया नहीं गया स्प्रे, तो नीचे भागते बंदे को स्प्रे दिया, पर इतनी दूर से कहाँ ही स्प्रे जाने वाला था। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ आके देखेंगे इनको, तो ज़्यादा ही कुछ खतरनाक बंदे हैं ये, हेल्थ की ऐसी की तैसी कर देंगे मतलब मेरी। अब मेरे को नहीं पता था यार यहाँ कितने बंदे बचे हुए हैं, तो मैंने तो यही सोचा था यार कि पेटी बन गई तो नया गेम प्ले खेल लेंगे और मैं इसी के साथ ही रश कर देता हूँ इन पे। अब यार ये इतना तकड़ा कैंपर था ना, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता लगा कि ऊपर की साइड है, तो मैं वो तो साइड में आ गया और साथ ही इसने फायर किया, तो बच गया मैं यहाँ पे। और इसका ये एक भाई साहब हो रहा है जो ये भी बहुत तंग करने वाला है मेरे को। अब हेल्थ मेरी ऐसी की तैसी हो रखी थी हेल्थ की, तो मैं सोच रहा था यार क्यों ना बैंडेज बुंडेज लगा लूँ उसके बाद देख लूँ उसे, पर यार ये जो है एक जगह टिक ही नहीं रहा था, तो इतने में ही नीचे कूद देता है और भाई की यहीं पेटी बना देता हूँ मैं। तो यार इनके जो है इस टीम के सिर्फ और सिर्फ दो बंदे बचे थे, तो उन दोनों को मैंने पेल दिया और बैंडेज लगाता हूँ मैं यहाँ पे। तो उसके बाद यार मैं गाड़ी निकालता हूँ अपनी और गाड़ी निकाल के यहाँ से आगे जाएंगे, और आगे यार जो खतरनाक की फाइट होने वाली है वो अलग ही लेवल की है, तो देख के मजा आएगा बिल्कुल। क्लियर,
तो फ्लेयर ड्रॉप था सामने की साइड, तो मैं उधर ही गड्डी घुमा लेता हूँ और यहाँ पे रुक के देखता हूँ कि कितने बंदे हैं सामने। तो जैसे ही यहाँ पे आता हूँ मैं, मेरे को बंदा एक भी नहीं दिखता, तो मैं क्या करता हूँ राइट वाले जो घर है वहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि उसी साइड से वो बंदे आए थे। और मेरी सोच ये थी कि जैसे ये ड्रॉप लुटेंगे उसके बाद ये घरों की साइड आएंगे तो तब इनको पेल लूँगा। तो गाड़ी निकालता हूँ मैं और यही करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ इतने में यार एक बंदा मेरे को पेड़ के पास से ड्रॉप की तरफ जाता हुआ दिखता है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और बंदे यार यहाँ घरों की साइड भी आ चुके हैं तो पेल लेंगे यार इनको जरूर। अब मेरे को लग रहा था इन्होंने मेरे को देखा नहीं, पर इन्होंने मेरे को देख लिया था। तो एक बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ और अब दूसरे की बारी। अब दूसरे बंदे को जैसे ही मैं नॉक करता हूँ तो तीसरा बंदा यार मेरे को हद से ज्यादा ही डैमेज दे देता है। तो इतने में ही बोट आ जाता है, उसको नॉक नॉक कर देता हूँ मैं। और ये देखो यार कहाँ रिवाइव चल रहा था, और कहीं दूर से यार थर्ड पार्टी हो चुकी थी इनके ऊपर, तो मैं तो सेफ था। और इतने में यार एक और बंदा जो है मेरे पास आ चुका है, तो दिक्कत यहाँ ज़्यादा हो रही थी क्योंकि यार हर तरफ बंदा था यहाँ पे। पर कोई नहीं यार, आपका भाई पेल लेगा यहाँ सबको। अब ये बंदा ओपन में खड़ा होके पता नहीं किसके पास ही गोलियाँ चला रहा था, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और जो नोक बंदा पड़ा था यार उसे भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये नोक नोक हो के मेरे पास आ रहे थे तो पेल दिया यार यहाँ सबको, ऐसा मेरे को लग रहा था। पर एक बंदा और भी यहाँ बचा हुआ है। वो तो सामने यार बोट जो है वो आपस में पेटी बना रहे थे, बोट थे या क्या थे। तो जो बंदा यार ऊपर की साइड बैठा पड़ा है तो उससे फाइट लेंगे पहले और उसके बाद आगे जाएंगे। तो ये बंदा जो है मोली नेड़ सब कुछ फेंक रहा था, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी फेंक के देखूं। तो नेड़ फेंका मैंने ऊपर की साइड और नेड़ का कोई फायदा नहीं हुआ, तो अपने नेड़ बहुत कम फटते हैं तो मोली फेंकता हूँ मैं, पर मोली का भी कोई फायदा नहीं होता। तो ये बंदा यार पता ही नहीं लग रहा था किस साइड बैठा पड़ा है, ऊपर जाके ही पेलना पड़ेगा इसको यार। और भाई साहब ये नहीं पता, गुंछा ले रहे थे पूरा जो ग्रेनेड है उनका। तो मैं भी यार यहाँ से नेड़ मोली उठाता हूँ और फेंकता हूँ, और फिर से नेड़ मोली उठाता हूँ और फिर से फेंकता हूँ। तो कोई सहारा नहीं लगता यार। पर तो मैंने सोचा यार ऐसे तो कितनी देर चलेगा, तो मैं ऊपर की साइड आता हूँ और भाई साहब जो उस साइड ग्रोजा लेके निकलते हैं बाहर, तो बनाएंगे यार इसकी पेटी। ग्रोजा नहीं यार, ओग थी ये, तो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे ग्रोजो। तो उसके बाद यार यहाँ से मैं AWM उठा लेता हूँ और यूज़ करेंगे AWM का पूरा। और यार आगे चल के जो है AWM का मतलब बेकदरी होने वाली है AWM की, तो उस चीज का मेरे को बाद में जो है हरजाना देना पड़ेगा। मतलब पबजी ने सारे नाम याद करवा दिए सारे सभी के नाम हुए, तो मतलब सजा मिलने वाली है यार मेरे को। तो मैं आगे जाके जो है AWM वो है वो ड्रॉप कर दूंगा, तो वो मैं क्यों करूंगा वो मैं आगे चल के जरूर बताऊंगा। और उस चीज की मतलब बहुत बड़ी सजा मेरे को मिलेगी अगर मैं AWM ड्रॉप ना करता, तो शायद कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाता मैं इस गेम प्ले में। तो देखना यार मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, तो वो सब कह रहा आगे चल के होने वाला है। तो मैं यहाँ से यार निकलता हूँ और आगे जाके बंदों को देखूँगा। तो मैं जैसे ही गाड़ी यहाँ से लेके जा रहा था, मेरे को बंदे भाग तो ये दिखे राइट साइड में घरों पे, तो मैं गाड़ी घुमाता हूँ और पास जाऊंगा इनके पास जाके
मतलब भांग के नशे में जैसा बंदा, भांग के नशे में जैसा बंदा जो है बेसुध हो जाता है ना, तो वैसा ही एनमी है। तो देखो यार ये इसको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ दुनियादारी है कहाँ नहीं है। आराम से आके लेट गया यहाँ पे। तो इस भाई की तो मैं यहीं पे पेटी बना देता हूँ, और इसको एक और जो साथी है वो अगले घर पे जो है वो बैठा पड़ा है, तो उसको भी यार क्लियर करेंगे जरूर। तो यहाँ पे आने के बाद यार इस बंदे के फुटस्टेप आते हैं मेरे को, और मैं नेड़ फेंकता हूँ यहाँ। तो नेड़ यार आज काम कर गया, और ये चीज देख के यार खुशी हुई दिल में, मतलब बहुत कि चलो कभी तो फटा नेड़ अपना। तो यहाँ पे यार डर भी लग रहा था कि एक और बंदा ना हो, तो मैंने इस साइड आया मैं, और साथ ही जो मैंने कवर लिया। पर भाई साहब जो है अकेले बैठे थे यहाँ बिल्कुल ही पेट पे हाथ रख के। तो इस भाई को भी मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ, और अब जो है मैं 300 IQ लगाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे बिल्कुल। तो मेरे से तो यार बिल्कुल भी नहीं हो पता। तो ये देखो यार क्या हो रहा है। हाँ मैं सोच रहा था छत पे चढ़ के यार बंदों को देखूँगा, तो काफ़ी देर वेट करता हूँ मैं। 2 से 3 बार तो यार मैं नीचे गिर गया था, तो बहुत मुश्किल से यार मैं देखो चढ़ा ही नहीं जा रहा था मेरे से। ट्राई करता हूँ मैं काफ़ी देर, और उसके बाद चढ़ पाता हूँ ऊपर। तो जैसे ही मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो देखो यार क्या होने वाला मेरे साथ। और यार यहाँ फट के ना 4 हो गई थी बिल्कुल ही। तो नीचे कूदता हूँ मैं, क्योंकि यार ऊपर पेटी पुट्टी बन जाती है अपनी। और ये बंदा जो है ना, मतलब बिल्कुल भी मेरे को दिखा नहीं कि कहाँ से इसने गोलियाँ चलाई। बस एक बार आवाज़ आई थी कि पीछे की साइड से गोलियाँ चली हैं। तो देखता हूँ मैं यार काफ़ी देर इधर से उधर, उधर से इधर, पर यार ये बंदा दिखने में नहीं आ रहा था। तो देख के मतलब यार आपको अचंभ होने वाला है बिल्कुल ही कि यार ये बंदा यहाँ कैसे लेट सकता है। तो देखना यार कहाँ से इसे क्लियर करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर वेट करता हूँ, पर बंदा तो यार दिख के नहीं देता। तो मैं बाहर की साइड फिर से आता हूँ, और बहुत हो गया था यार इसका लुकना छिपना, तो पहलेंगे इसे जरूर। तो मैं ओपन में इसलिए आता हूँ कि यार ये दोबारा फायर करे और मैं देखूँ से, और देखो भाई साहब कहाँ लेटे पड़े। तो यार इस हेडशॉट के लिए अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो बिल्कुल लाइक कर दो यार, मतलब दिख नहीं रहा था बिल्कुल भी बंदा। और आपके भाई ने जो है थोड़े से ही सर पे उसके जो है AWM का शॉट पटका दिया। तो यार सबसे बड़ी गलती देखो इस मैच की क्या होने वाली है। अब यार 4 बंदे बचे हुए थे और मैं अकेला था, तो मैंने सोचा यार अगर AWM मैं चलाऊंगा तो क्लच क्लूच हो नहीं पाएगा शायद, क्योंकि अगर चारों बंदों ने एकदम रश कर दिया तो गन स्विच करते टाइम अगर मेरे पास AWM हुई तो पेटी पुट्टी बन जाएगी वहीं पे। तो यार इसी को सोचते हुए मैंने थॉमसन उठा ली, और फिर यार मेरे को याद आता है कि जो ऊपर वाला बंदा है उसके पास जो है कि वो M4 पड़ी थी। तो मैं क्या करता हूँ M4 उठा लेता हूँ दोनों यहाँ से, और फ्यूल जो है इसके अंदर ख़त्म हो चुका था अपनी गड्डी के। तो मैं ऊपर जाऊँगा और दोनों M4 चलाऊँगा, क्योंकि M4 की मेरे पास जो गोलियाँ हैं वो काफ़ी थी। और यार ये जो गलती मैंने करी है ना, ये मतलब इसकी सज़ा मेरे को जरूर मिलने वाली है आगे चल के। तो M4 उठा लेता हूँ मैं, और जितनी गोलियाँ थी यार यहाँ मैंने भर भर के उठा लिया हैं। उसके बाद मैं यहाँ से ये बग्गी उठाता हूँ और आगे निकलता हूँ। और यहाँ पे पहुँचते ही यार मेरे को ना AWM की याद आती है। वो क्यों आती है तो देखो यार, देखने को जरूर मिलेगी ये चीज़। जैसे ही मैं यहाँ की साइड आता हूँ मेरे को ना टावर के ऊपर जो है एक बंदा दिखाई देता है। तो अगर यार यहाँ AWM होती ना तो क्या ही मजा आता यार। तो एक टाइम तो मेरा मन कर रहा था यार कि AWM वापस ले आऊँ। तो गोलियाँ, 2 गोलियाँ तो यार लगी भाई साहब को, पर यार अगर AWM यहाँ होती ना तो क्या ही मजा आता। तो मैं आगे की साइड बढ़ता हूँ, और यार स्प्रे देखो मेरे पे कितना गंदा दिया इस बंदे ने। कौन था यार ये, कहाँ थे पड़ी सामने थे पड़ी यार, कहाँ थे कहाँ।
तो मैच यार बहुत बढ़िया जा रहा था यहाँ तक तो AWM यार अगर मेरे पास होती ना तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है यार मेरे को इस चीज में। तो तीन नंबर भाई साहब मेरे को बोल भी रहे थे कि यार बैक जाके जो है ले आ AWM, तो मैंने सोचा यार कौन अब वापस जाए, वैसे ही मैं अड़कस ही बंदा हूँ बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा यार देखी जाएगी जो होएगा। और एक बंदा जो जिसने स्प्रे दिया था यार वो आगे की साइड आ चुका है, तो एक ही टीम के थे ये दोनों बंदे, तो एक जो है वो टावर पे चढ़ रखा है और नेड नोड पटकाने जो है भाई साहब पूरे शुरू कर दिए उसने। तो मैं क्या करता हूँ यार यहाँ रुक के जो है नेड से पेट्टी बनवाने से अच्छा है इससे फाइट ली जाए, तो मैं इस साइड आता हूँ। और मैं सोच रहा था कि यार इसका बंदा जो है राइट से ना जाए, तो मैं राइट ही पहुँच जाता हूँ और वेट करता हूँ इस भाई साहब को, ये मेरी तरफ आए। तो उसके बाद यार मैं सोचता हूँ क्यों ना यार इसे ऊपर जाके पेला जाए और पेलेंगे यार इसे जरूर। तो देखो इतने में गर्दन दिखाता है अपनी और गर्दन पे ही गोलियां लगाएंगे, तो इसे जैसे ही मैं नॉक करता हूँ और ये होता है मेरे साथ। अब यार क्या ही कर सकता था मैं, अगर AWM मेरे पास होती तो मैं इसे उसी टाइम मार देता, पर यार वही चक्कर है ना कि जो किस्मत को मंजूर हो वही होता है बंदे के साथ। तो मैं AWM नहीं उठाता और जिसकी सजा यार मेरे को मिल चुकी है। अब ये 14वां किल था मेरा, तो किल तो ये पूरा कंप्लीट मिल नहीं पाया, पर खोपड़े में जरूर AWM चिपका दी इस भाई ने।